मुजफ्फरनगर में भी कोरोना की एक बार फिर दोबारा से दस्तक शुरू हो गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल, शाहपुर, बुढ़ाना सहित कई अन्य क्षेत्रों में कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं। ये मरीज जब डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, जांच कराने गए, तो वहां पर जांच में कोरोना के सिम्टम पाए गए, जिन्हें CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के निर्देशन पर होम आइसोलेशन कर दिया गया। इन कोरोना के मरीजों में प्रथम दृष्टया खांसी, बुखार, नजला, जुकाम के सिम्टम पाए गए हैं। कोरोना के मामले मिले हैं हमारे यहाँ। 24 नवंबर के बाद जीरो स्टेटस था, लेकिन 20 मार्च के बाद से एक एक केस मिलने लगा है। लेकिन इन केसों के लिए कोई चिंता की घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक जगह पे नहीं मिला कोई केस, सब स्कैटर्ड केस मिल रहे हैं। जैसे एक शाहपुर में है, एक चरथावल में है, एक यहीं अरवन में है, खालापार में, और एक मोरना ब्लॉक में। तो इस तरीके से 5 केस अभी हमारे यहाँ एक्टिव हैं। वेरिएंट कौन सा है सर कोरोना का? ये सब वही मिल रहे हैं, XBB वेरिएंट मिल रहा है। जो डोज लग चुके है कोरोना की वो असरदार है इस पे? हाँ, जो डोज लग चुकी है वो असरदार है, उस डोज की वजह से ही कम केस मिल रहे हैं। और जो केस मिल रहे हैं वो भी इस तरीके के मिल रहे हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं है, उनमें लक्षण भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी VC की थी परसों, तो कितनी तैयारी है आप लोगों की? हमारे पास पूरी तैयारी है, हमने सब CSC लेवल पे 5-5 बेड के वार्ड आरक्षित कर दिए हैं। जिला चिकित्सालय में 25 बेड का वार्ड है, 40 बेड की PQ हमारी बनी हुई है जिला महिला चिकित्सालय में, और 4 CSC हमारी जो हैं, जिसमें सिसौली, फलौदा, भोपा इन और बुढ़ाना, इन पे भी हमारे यहाँ 30-30 बेड पूरी तरीके से आरक्षित हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन खींची हुई है, 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ जिला अस्पताल में लगे हुए हैं, बाकी बुढ़ाना, खतौली में भी ऑक्सीजन प्लांट हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास 760, सिलेंडर भी काफ़ी हैं, तो ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़नी ही नहीं है, क्योंकि जितने भी केस हैं ये सब इनमें लक्षण नहीं है, केवल यह है कि खांसी, जुकाम, बुखार के चक्कर में वायरल वाले लक्षण आ रहे हैं, उनकी जांच होती है, या किसी के कोई ऑपरेशन होना है उस चक्कर में जांच होती है अस्पताल में, तो वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है। अब इन्हें कहाँ पे रखा गया है, हॉस्पिटल में या फिर अभी घर पे? नहीं, सब घर पे इलाज चल रहा है, सब होम आइसोलेशन में है। बीच में 7 केस हो गए थे, उनमें 2 तो डिस्चार्ज भी हो गए, 5 केस हैं इस समय पे, उनकी सब वो हमारी निगरानी में है। टीम जाती है, उनको दवाई दे दी गई है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है और पूरी तरीके से निगरानी में है। वैक्सीन अभी भी लग रही है सर? नहीं, वैक्सीन की अभी कोई डोज नहीं है, फरवरी के बाद वैक्सीन नहीं लग रही है। हमारे यहाँ 50% लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है।